आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी अकाउंट चल रहा था, सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम। हम लोग कहाँ थे बेटा बताओ तो? टेन हो गया था अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 11.104। शिवम ध्यान दे आप, कुछ भी पूछा मत कर। पहले की मेथड का क्या लेन देन बेटा अपने को, है ना? अच्छा बच्चा है बेचारा। पर गोड़ एकदम। चलो बच्चों प्लीज ध्यान देना। सो हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में अब तक कुछ चीजें पढ़ी थी, आपको याद आ रहा है क्या अब तक जो हमने देखा उसके अंदर में? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले पूछो। एनीबॉडी, अब तक जो भी हमने देखा उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनीबॉडी प्लीज बोल 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 बेटा। बोल शिवम, कुछ डाउट है बेटा? पीछे बोल बोल बोल। हाँ तब मैं वही तो पूछ रहा हूँ, डाउट है तो कुछ बताओ ना। हाँ ढाला ना। हाँ ये नहीं पड़ी। हाय ये कहीं से क्या मंडा तेरे मूल? बता क्वेश्चन बोल, मैं लिखता हूँ। हाँ 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 ये देख, ये पिछले साल है, पिछले साल हमने गुड्स खरीदा था 60,000 का, ऑलरेडी पिछले साल ही हमने राइट ऑफ कर दिया 20,000, तो पिछले साल के एंडिंग में वो गुड्स कितने का आया? 40,000 का, बरोबर है? वो गुड्स इस बार के ओपनिंग में भी कितना आया? 40,000। और ये 40,000 का माल हमने कितने में बेचा? देयर फोर प्रॉफिट कितने का हुआ? 15,000 रुपए का। हाँ बरोबर है, तो तकलीफ क्या आ रही है इसके अंदर में? ये ना ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं लेस करना, ऑलरेडी तूने तो बोला ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, अगर राइट ऑफ नहीं किया है तो आप करो, ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है पिछले साल में तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 50,000 का, 60,000 का माल था, ऑलरेडी 20,000 राइट ऑफ कर दिया, तो माल बचा कितने का? 40 का। और वो 40 का माल कितने में सेल किया? 55 में। तो अब फॉरवर्ड जा रहे तो सेल क्या करेंगे? माइनस। बट सेल की क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट। तो कॉस्ट 60 लेगा या 40 लेगा? 40,000। और रिवर्स आ रहे तो सेल क्या करेंगे? कितना लेगा? 60,000 कॉस्ट लेगा या 40? 40,000, क्योंकि 20 ऑलरेडी राइट ऑफ हो गए। यही था ना अपने इन्वेंटरी में? हाँ बोल बेटे। हाँ हाँ पढ़ पढ़। कौन सा वाला ट्रांजेक्शन नहीं आया? कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं आया? ऐसा तो होगा ना कि सारे नहीं है। हाँ पढ़, ट्रांजेक्शन क्या है? निकाल, कितने आलसी बच्चे हैं आपके पास, होगा ना परीक्षा मल जैसी है ना। हाँ
क्वेश्चन नंबर सिक्स में अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट, अ कस्टमर वो रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1 लाख, उसने चेक का पेमेंट कर दिया ऑन 20 मार्च, कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट ले लिया। ये ले, अब ध्यान से सुन, मुझे अमुक से 1 लाख रुपए लेना था, अमुक को मैंने 4% डिस्काउंट दिया, कितना आता बता? बोल, अमोक ने मुझे चेक कितने का दिया होगा? वेरी गुड, लेकिन तू ही था वो अकाउंटेंट, तूने 96 की जगह गलती से एंट्री करी 1 लाख, चेक कितने का मिला? तूने कितना लिखा? GROSS ग्रॉस। चेक कितने का मिला? तूने कितना लिखा? चेक कितने का मिला? तूने गलती से कैशबुक में कितना लिखा? चेक से रिलेटेड गलती है, रूल नंबर टू बोल, रुकना, रूल नंबर टू। अरे रे रे रे, चेक से रिलेटेड कोई गलती है तो चेक क्लियर हो गया, विसरला करे बाड़ा, चेक मिला 96 का गलती से लिखे 1 लाख, चेक से रिलेटेड गलती है, रूल नंबर टू, चेक क्लियर हो गया। चेक कितने से क्लियर होगा? 1 लाख या 96? हाँ, तो चेक मिला 96 का गलती से लिखे 1 लाख, चेक क्लियर होगा 96 का, बोल डिफरेंस कितना है? कैशबुक ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो ले, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड, ओडी है तो उल्टा, नहीं समझा? माँ कसम, माँ कसम। और कोई, एनीबॉडी? हाँ बोलना। अच्छा पॉइंट है, पर एग्जाम में आने के चांसेस है, समझ में आए देखो? रूल भूल से भूल गया पर तू। आले ले तसे खूब वेड़ा, शिवम इन्वेंटरी, ओपनिंग 1/4/2021 7 लाख, 31 मार्च 2022 का स्टॉक पूछा है, क्लोजिंग, हाँ बोल, आगे जाना है पीछे जाना है? परचेस क्या करूंगा? परचेस कितना दिया है? 34,60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या करूंगा? सेल्स क्या करूंगा? सेल्स क्या करूंगा? बट सेल्स का क्या कॉस्ट? सेल्स कितना है? 52,20। सेल्स 52,20 है, 52,20,000 में कुछ सेल कैसे है बेटा देख, कुछ सेल 1,60,000 का इसमें सेल एबनॉर्मल है, ये सेल प्राइस है, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर सेल प्राइस कितना है बेटा बता? बावन बीस माइनस 1,60,000, 50,60,000, और कुछ सेल है दूसरा? नो, बस ये एबनॉर्मल सेल क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि इन गुड्स की कॉस्ट थी 1,40,000, इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1,40,000। सर 1,40,000 कैसे आया? ये जो गुड्स है भूतकाल में पास्ट में परचेस किए थे 2 लाख में, और ऑलरेडी इसके ऊपर में ऑलरेडी 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 राइट ऑफ कितना किया, तो देयरफॉर बैलेंस कितना बचा? 1,40,000, और ये भूतकाल में ऑलरेडी हो गया, ये 1,40,000 का माल कितने में बेचा? 1,60,000 में,
ये सेल है, ये सेल है, ये बचा हुआ सेल, सेल के ऊपर परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट। जीपी कितना आएगा? 25% ऑन कॉस्ट यानी सेल प्राइस पे 20%। क्या 50,60,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 कितना है बेटा? 10,12,000 बोलो कॉस्ट कितना आया? 40,48,000 बोलो ये इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,40,000 बोलो टोटल कितना कॉस्ट हुआ? 41,80,000। ये है सीओजीएस। शिवम ये समझा क्या? ये समझा कैसे आया? मुझे कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। दो प्रकार का सेल है, एक वो जिसके ऊपर जीपी मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट, एक वो जो आपको अलग से दिया है। सो सेल में दो प्रकार की सेल है, एक वो जहां पे कॉस्ट 1,40,000 है और बेचा 1,60,000 में, एक वो जहां पे 50,60,000 का सेल है, जीपी परसेंटेज 20% ऑन सेल यानी 25% ऑन कॉस्ट। तो मैंने दोनों की क्या निकाली? कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट की टोटल कर दी, ये माइनस होगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझा? माँ कसम समझाए, झूठ मूठ कहाँ बोल रहा हूँ, पागल है वो लोग अपना। समझा? सॉल्व किए वक्त क्वेश्चन है क्लास में। और को बेटा प्लीज एनीबडी, बड़े आगे कितना है बेटा? 6,72,000। चेक कर ले आंसर है क्या उसमें। आ जाओ, और कोई बच्चा प्लीज एनीबडी, सबने पढ़ा ना घर पे, आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चिंता मत करना, जरूरी नहीं कि आज आखिरी चांस ही था आपका डाउट पूछने का, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? एनी टाइम, एनी डे, एनीबडी, आई एम रेडी। चलो आगे बढ़े बच्चों। सो बच्चों हमारा कंपनी अकाउंट चल रहा था, उसमें डिबेंचर टॉपिक के अंदर में हमने शेयर्स के भरपूर क्वेश्चन सॉल्व किए। शेयर्स में अब क्या सब लोगों को इश्यू, फॉरफीचर, री इश्यू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रोरेटा अलॉटमेंट, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सारी चीजें आ जाएगी क्या? पक्का? 6 कॉन्सेप्ट हमने शेयर्स के केस में पढ़े थे, उन सबकी हमने जर्नल एंट्रीज देखी और शेयर्स की हमने थ्योरी भी देखी मॉड्यूल की, याद आ रहे हैं सभी को? और उसके बाद में हमने डिबेंचर की थ्योरी देखी, डिबेंचर के कुछ डमी एग्जांपल्स देखे और उसके बाद हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मॉड्यूल के। मैं आगे बढ़ू थोड़ा, घर पे रिवाइज नहीं किया होगा तो प्लीज 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 रिवाइज करो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, सच्ची बोल रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं है। एचडीसी लिमिटेड इशू 1,12,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 इज एट 94। ओ माई गॉड, 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया? सर ₹6 पर डिबेंचर, क्या है डिस्काउंट? अंडर द टर्म्स ऑफ इशू, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर, हमें ये पूछा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर, बताओ किस रेशियो में डिस्काउंट का अमाउंट राइट ऑफ होगा? जवाब, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। याद आया, हमने 2-3 बार प्रैक्टिस भी की थी इसकी, ये रूल लिख करके, किस रेशियो में डिबेंचर का डिस्काउंट या लॉस का अमाउंट राइट ऑफ होता है? इन द अमाउंट ऑफ, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। किसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग? डिबेंचर का। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ
डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बोलो डिबेंचर एक कितने रुपए का था? 100। अमाउंट रिडीम्ड कितना रिडीम हुआ पहले साल में? 0। सर 0 क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा रिडम्पशन हो रहा है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, इसीलिए फर्स्ट ईयर में कुछ रिडम्पशन हुआ ही नहीं। देयरफॉर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बरोबर है क्या? फिर अगले साल, हाँ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो था अगले साल का बिगनिंग, फिर बोलो, फिर बताओ। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? रेशो, अब किस रेशो में राइट ऑफ होता है? इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग, बिगिनिंग का रेशो बनाओ 100: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 
टू वन इज टू वन, सही है सर? वो पहले डायग्राम बनाते थे इस टाइप में, ऐसा टाइमलाइन बना करके, वैसा भी कर सकते, कैसा भी करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आपकी इच्छा हो। चलिए बेटा आगे, हो गया ना क्वेश्चन ही खत्म हो गया किसका? अच्छा वैसा गया, देर फो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय एक डिबेंचर के पीछे डिस्काउंट कितने का है? 6 रुपए, 6 लाख। देर फोर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, टोटल करो, 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू हर साल कितना आ रहा है? 1 पर अनम, 12 पंचे 60। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसमें एंट्री पूछी नहीं, एंट्री अगर किसी ने पूछ लिया तो पीएनएल टू डिस्काउंट, पीएनएल टू डिस्काउंट, पीएनएल टू डिस्काउंट, पीएनएल टू डिस्काउंट। चार नंबर के लिए आता है ये। हाँ 4 मार्क्स बताओ फोकट में, कैसा लगा शिवम? होटा? हाँ हाँ ये रेशो है 90। सेकंड ईयर का कितना रहेगा? सेकंड वाला 1 लिखना, ये वाला 1 मिटा देना, सेकंड वाला 1 लिखना। थर्ड ईयर का पूछा कितना है तो ये वाला 1 मिटा देना, थर्ड ईयर वाला 1 लिखना। समझे? समझे? अच्छा लिखा बेटा सभी ने? देखो इन्होंने भी कुछ ऐसे लिखा, ठीक है, और हर बार उन्होंने लिख दिया, देख बार बार लिख रहे हो। 5 बार ये 1/5 है ना, 1/5, 1/5, 1/5। हाँ ये देखते हैं, ये देखते कौन बच्चे को आएगा सॉल्व करते। चलो ये सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो बगैर देखे, देखना नहीं है किसी ने आंसर। 12 सॉल्व करो, 4 नंबर के लिए पूछा हो क्वेश्चन है।
प्रश्न क्रमांक 12। हाँ बोल बेटा। आया आंसर? करो ना जल्दी से। चलो हो गया टाइम अप। बोल अमुक कितना रहा? 40-40 है। अमुक का आंसर है 40-40 हर साल। और तेरा है कितना? हर साल 40। हाँ बोल बोल, अमाउंट आंसर चाहिए, आंसर निकालो। हाँ अरे अपने जो डमी एग्जाम्पल सॉल्व किया वो इससे डिफिकल्ट था। बोलो पहले साल डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग था बेटा? 2 लाख डिबेंचर है, 10 का एक है, 20 लाख। क्या बरोबर ना? फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर के एंडिंग में डिबेंचर्स रिडीम हो गए। फर्स्ट ईयर के एंडिंग में डिबेंचर्स रिडीम हुए क्या बच्चों? डिबेंचर कब इशू किया बताओ तो जरा मुझे। 1 जनवरी। और ये पहला रिडेम्पशन कब हुआ? 31 दिसंबर 22। तो फर्स्ट ईयर के एंडिंग में 1/5 डिबेंचर रिडीम हो गए। तुम बताओ बेटा 20 लाख का 1/5 कितना होता है? 4 लाख। बोलो बचे कितने? फिर सेकेंड ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है? 16। फिर और 4 लाख रिडीम हो गए, बचे कितने? थर्ड ईयर के एंडिंग में इतने बचे, और 4 रिडीम हो गए, और 4 रिडीम हो गए, और लास्ट में 4 रिडीम हो गए तो 0। सिक्स्थ ईयर में 0 बचा होगा ना? फिर रेशो बताओ क्या रहेगा? फिर 20:16:20, 12:8:4। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताओ। 2 लाख 10 रुपए का एक एक के पीछे डिस्काउंट कितना है? 0.60। 0.60 × 2 लाख बोलो कितना है बेटा? सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1,20,000 क्या? सो 1,20,000 टोटल करो रेशो के। 20 और 16 36, 36 46 48 48 56 4। ठीक है 4 साल का ही निकालेंगे, 5वें साल में ये ले कैंसिल कर दिया। 4 साल का 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 60, फिर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 60, फिर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12।
डिवाइडेड बाय 60, फिर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 60, फिर आ गया सभी का। ये लो एक लास्ट ईयर का भी फ्री में निकाल के दे देता आपको। इनटू 4 डिवाइड बाय 60 आ गया क्या आंसर? अरे ऑलरेडी सॉल्व किया ना सामने, आपके बुक निकाल के देखो डमी एग्जांपल की। चालीस बत्तीस चेक करो इतना। ओ वाह बिल्कुल सही जवाब। ये लो ये कौन से इसका आंसर लिखा हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 12 का। सर ये मुझे ऐसा पसंद नहीं है, आप अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखो आंसर। स्टेप वन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे 2 लाख, पर डिबेंचर डिस्काउंट कितना था, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, दिस डिस्काउंट नीड टू बी राइट ऑफ इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। देयरफॉर स्टेप नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। डिबेंचर एक कितने का था 10, अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर डिबेंचर, रेशो के लिए एक डिबेंचर क्या 2 लाख डिबेंचर क्या, रेशो तो सेम ही आएगा ना, यस और नो, हमें रेशो चाहिए ना। बोलो फर्स्ट ईयर में कितना रिडीम हो गया, 1/5 रिडीम हुआ ना, 1/5 रिडीम, देयरफॉर बैलेंस कितना बचा 8, फिर रिडीम हो गया 1/5, फिर कितना बचा 4, 2, 0। बोलो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस कितना है 10, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिफ्थ ईयर के, देयरफॉर रेशो क्या आ जाएगा 10:8:6:4:2। ये तो जीरो है, सबकी टोटल करो 30। स्टेप नंबर थ्री अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर फर्स्ट ईयर। बोलो डिस्काउंट कितना था 1:20, रेशो क्या है उस 1,20,000 को इस रेशो में बांटना है, किसी भी फिगर को अगर कोई रेशो में बांटना है तो उस रेशो में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब नंबर की टोटल करनी पड़ेगी ना पहले। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 30, फिर सेकेंड ईयर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 30, फिर थर्ड ईयर का, अरे समझा क्या, 6 डिवाइडेड बाय 30, फोर डिवाइडेड बाय 30 और लास्ट में 2 डिवाइडेड बाय 30। आया सभी का?
कुछ था क्या इसमें? ईमानदारी से बताओ, इजी। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, मेरे पास सही में और भी बहुत तरीके बताने के। हाँ, एनीबॉडी, क्लियर है? पक्का? प्लीज लिखो। बड़े आगे आएगा, 40, 32, 24, 16, 8। पेज नंबर 11.106। ठीक है, सब लोग साथ में बच्चों। कैसे एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकते हैं? आगे बढ़े क्या? देखो, ध्यान देना। कंपनी इशू 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1/1/19। डिबेंचर डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% वॉज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। ऑल द डिबेंचर्स वर रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर स्प्रेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। पास द जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ईयर 22। डिबेंचर कभी सीख गया बच्चों? 1 जनवरी 19। अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है, मार्च या दिसंबर है? दिसंबर। पहला साल कब खत्म हुआ? अरे बाबा, ईयर बोला है ना, ईयर ईयर 22 बोला है, ईयर 22, 23 नहीं बोला है। अगर ईयर 22, 23 बोला रहता तो मैं अज्यूम करता तो अप्रैल से मार्च है। यहाँ पे बस एक ही शब्द में लिया है, ईयर 22 मतलब कैलेंडर ईयर ही अकाउंटिंग ईयर है। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैलेंडर ईयर ही अकाउंटिंग ईयर है। अगर ऐसा दिया रहता 21, 22, 19, 20, 20, 21 तो मैं समझता है अप्रैल दिस ईयर टू मार्च नेक्स्ट ईयर। ये 5 साल डिबेंचर के, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ये आंसर का पार्ट नहीं है। आपको कौन से साल की एंट्री पूछी है बच्चों? ढूंढो 22 इसमें का है। पहला साल कौन सा है? 19। दूसरा कौन सा है? तीसरा। यस, इस साल की एंट्री पूछी है, बरोबर ना? जनरल एंट्री कौन से साल की पूछी है? 22 की पूछी है ना, फोर्थ ईयर की। चलो मैं एंट्री पास करता हूं, बस मुझे ये साल ध्यान रखना है, मुझे ये ही साल की एंट्री चाहिए बच्चों, दैट्स इट। और कोई दूसरे साल की नहीं चाहिए एंट्री। आ जाओ। कंपनी इशू 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन। अब तक मुझे लग रहा था ये ट्रांजेक्शन मिला मिला, अब एंट्री में पास करूंगा। आगे तारीख है 1 जनवरी 19। मुझे कौन से साल की एंट्री पास करनी है और ये कौन सा है डेट? 1 जनवरी 19। क्या ये तारीख मेरे साल में आती है? क्या ये तारीख है ये, और मुझे एंट्री बोली है ये साल की?
फर्स्ट जनवरी 19 हमारे पूछे हुए साल में आ रही है, नो एंट्री पास करेंगे, छोड़ दो। आगे डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% वॉज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट की बात चल रही है बच्चों। डिबेंचर इंटरेस्ट ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस या इनकम? क्यों? वेरी गुड, देना पड़ रहा है। अमोक डिबेंचर होल्डर है, इसे रिलायंस कंपनी का एक डिबेंचर लिया, रिलायंस कंपनी इसे क्या देगी? डिबेंचर इंटरेस्ट। रिलायंस के लिए वो डिबेंचर इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस। अमोक के लिए छोड़ो ना, हमें क्या पॉइंट लेना देना अमोक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें किसके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अमोक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा? इनकम। बट हम लोग अकाउंटिंग किसके बुक में कर रहे हैं अभी? कंपनी के बुक में, बरोबर है ना? तो अब ध्यान से सुनना, कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, ऐसा है? अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? वेरी गुड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये बात समझ में आई सभी को? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपनी कब कब दे रही है इंटरेस्ट? साल में दो बार। साल में दो बार दे रही है तो पूरे 12-12 महीने का देगी दो बार कि 6-6 महीने का? कॉमन सेंस, साल में दो बार 12-12 महीने मतलब एक साल में 24 महीने का देगी क्या? साल में दो बार दे रही है, 30 जून और 31 दिसंबर। तो 30 जून को कितने महीने का? 6, 31 को अगेन। साल में चार बार इंटरेस्ट दिया रहता तो कितने कितने महीने का देती? साल में तीन बार दिया रहता तो कितने कितने महीने का देती? साल में 12 बार दिया रहता तो कितने कितने महीने का देती? साल में एक बार दिया रहे तो कितने महीने का देती? 12 महीने का। साल में दो बार दिया है तो 6-6 महीने का। सब बताओ, 30 जून को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमें जो साल की एंट्री करने बोली है क्या उस साल में 30 जून आता है क्या? हाँ आता है, आता है, हर साल आता है। तो पहली एंट्री कौन सी रहेगी? 30 जून 2022 की। समझ में आया कैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? अभी देखो जरा सब लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? अरे कंपनी के लिए खर्चा है ना, कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि नहीं? तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना। टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दिया नहीं हमने, देना बाकी। अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे, पहले ड्यू करो और बाद में पे करो। बोल बेटा इंटरेस्ट कितना रहेगा, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? गलत आएगा, 90,000 90। इंटरेस्ट का अमाउंट 1,50,60,90, 1,08,000, 60,000, 50,50, 60,000। बोल, चेंज हो रहा तेरा आंसर? उतना ही, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू मुझे पूछ रही है। मैंने पूछा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, खत्म। कितना आया? 9,60,000। 10 लाख के डिबेंचर पे 6 महीने का 9 लाख का, मेरी सारी जायदाद लगाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा इधर से सर दुख गया, मालूम है कि तुम जैसे 9 लाख बोली। और कोई? सबने आंसर अपने अपने ट्राई कर लिए?
हाँ बोलो। मैंने कितना सिंपल सवाल पूछा, 6 महीने का डिबेंचर का इंटरेस्ट रहेगा। ये लो तुम्हारा जवाब आ गया यहाँ पे। हाँ दूध पीता बच्चा ही बोले 10 लाख के डिबेंचर है, डिस्काउंट पे इशू करो, प्रीमियम पे। क्या बोला था, इंटरेस्ट या प्रीमियम है, डिस्काउंट हर बार किस पे निकालना है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख। परसेंटेज कितना है इसका, 10% तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट वो 10% इंटरेस्ट का परसेंट थोड़ी है, ये है ना 12% डिबेंचर। तो 10 लाख का 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कुछ था इसमें बरबर ना शिवम? डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को देना बाकी है, अब दे देंगे। अब डिबेंचर होल्डर को मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं, देखना। देने के पहले काट के दूंगा टीडीएस। टीडीएस क्या रहता मालूम है इन सभी को? ये अमोघ है और क्या नाम है आपका, ये रोहित है। एक चिप्स का पैकेट खरीदा इन्होंने, अमोघ ने चिप्स के पैकेट से इतना चिप्स खा लिया और बचा हुआ चिप्स दे दिया रोहित को। समझ में आया ना? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिबेंचर होल्डर के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंपनी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है देख लेना एक बार, वैसे आगे आप सी एंटर में पढ़ोगे। ये कंपनी है और ये सारे डिबेंचर होल्डर्स है, ये कंपनी और ये सारे डिबेंचर होल्डर्स है। इन डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट क्या हो गया, इनके लिए डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, इनकम। और कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है। यस और नो? इनके लिए एक्सपेंस, इनके लिए इनकम का उगम स्थान क्या है, सबके लिए। इन सब के लिए इनकम का सोर्स क्या है, उगम स्थान कंपनी। कंपनी से ही मिल रही है ना सबको इनकम, जैसे इन सबके पास इनकम आ गई है, ये देखो ये अपनी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इसके पास गई, इनकम टैक्स लिया, इसके पास जा रही है, फिर इसके पास जा रही है, फिर इसके पास जा रही है, फिर इसके पास जा रही है। बाप रे बाप, गवर्नमेंट को इन सब के पास जाना पड़ रहा है। तू डिबेंचर होल्डर है, तुझे इनकम हुई, ला इनकम टैक्स दे, ला इनकम टैक्स दे। 1 करोड़ डिबेंचर होल्डर थे, सरकार सबके पीछे दौड़ दौड़ के परेशान हो गई। उसमें से कुछ लोग लपक गए, मर गए, ऊपर चले गए, सरकार को टैक्स भी नहीं मिल रहा है और सबके पीछे भाग रही, सबको लेटर भेज रही है। कितनी परेशान हो गई रहेगी गवर्नमेंट। हाँ बोल। तू तेरे साथ में इनकम ऊपर लेके गया क्या हमारा? तो इनकम किधर है तेरी, तो टैक्स भी कहाँ भरना है उसका, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ध्यान से सुनना, ये सबके पीछे सरकार जा रही है और सबसे इनकम टैक्स ले रही है। तो सरकार ने दिमाग लगाया, सरकार बोली कहाँ इन सबके पीछे भागते बैठते। सरकार ने सबको पूछा क्यों तुमको इनकम मिल कहां से रही है, सबने एक ही कंपनी का नाम बताया। इससे सरकार बोली अच्छा, यहां सबके पीछे कन्नी बांधने से अच्छा एक काम करो, यही पेच कट कर दो सबका टीडीएस। तो सरकार एक कंपनी के पास गई, कंपनी को बोला ए कंपनी सुन, तेरे पास 1 करोड़ डिबेंचर होल्डर है, मेरे पास इतना समय नहीं है सबके पीछे जा जाके सबसे टैक्स लो। सबको कितना दे रहा है तू इंटरेस्ट, 100 रुपए दे रहा है ना, एक काम कर इस 100 में से 10 मुझे दे और 90 इनको दे, और सबको बोल देना सरकार ने तुम्हारा काटा है टीडीएस। यस और नो? कंपनी बोलेगी ठीक है, कंपनी को कितने देना है, कंपनी को तो 100 ही देना है ना,
कंपनी को थोड़ी अलग देना है, कंपनी बोल रही है आप 90 लो 100 लो पूरा ले लो, हमें क्या लेन देन, समझ में आया क्या? तो अब कंपनी सरकार को कितने देगी? 10, डिबेंचर होल्डर को कितना देगी? 90। इन एनी केस कंपनी का खर्चा कितना रहेगा? 100। पहले क्या होता था, कंपनी सारे डिबेंचर होल्डर को दे देती थी 100, और ये डिबेंचर होल्डर सरकार को देते थे 10, कुछ देते थे कुछ नहीं देते थे, और सरकार सबका फॉलोअप लेते बैठती थी। तो ये सिस्टम बंद हो गया। अब सरकार क्या करती है, मैं एक एक डिबेंचर होल्डर के पीछे जाके फॉलोअप नहीं लेती हूँ बैठे होगी, जहां से इन सब डिबेंचर होल्डर को इनकम मिल रही है उस सोर्स पे ही सबका टीडीएस काट लूंगी। उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अब कंपनी कितना देगी टीडीएस बताओ तो? 10%। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 60, टू बैंक 54,000 और टू टीडीएस पेएबल 6,000। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? डिबेंचर होल्डर्स के खाते में गए कितने? ओनली 54। डिबेंचर होल्डर्स के खाते में कितने गए? सिर्फ 54। कंपनी का खर्चा तो एनी हाउ 60 ही रहेगा, बट डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में से 54 ही आए। सर 6 कहां चले गए? सरकार ले गई ना, कंपनी सरकार को बोल रही है तू 6 ले 10 ले 20 ले पूरे 60 लेके जा, मुझे क्या लेन देन, वो तू जाने और डिबेंचर होल्डर जाने। गवर्नमेंट ने सिर्फ कंपनी को इतना इंस्ट्रक्शन दिया कि इन सब डिबेंचर होल्डर्स को जो तुम इनकम दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट खर्चा है, इन लोगों के लिए इनकम है, उस इनकम के लिए तुम सोर्स हो, कंपनी सोर्स है ना, सोर्स पे ही सरकार ने, देखो सरकार ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया, 1 करोड़ लोगों के पीछे फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है, एक का ही फॉलोअप लो, और वो एक कौन है? कंपनी। समझ में आया क्या? कितना अच्छा काम हो गया, कितने पैसे बच गए, कितना मैनेजमेंट वर्क बच गया। सरकार को 1 करोड़ लोगों का फॉलोअप लेने में कितनी मुश्किल होती थी, तो यहाँ पे सिर्फ बस कंपनी का फॉलोअप लेना है। समझ में आया क्या बात सभी को? ये है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिंपल है, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट एंट्री में अगर किसी को देखना है तो ये टीडीएस का पेमेंट हो जाएगा, टीडीएस पेएबल टू बैंक। किसको पेमेंट करेंगे? गवर्नमेंट को। ये वाली एंट्री करो नहीं करो तो भी चलेगा। कौन पेमेंट करेगा? अरे बाबा कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को 54 ही दिए, सब डिबेंचर होल्डर्स के कितने पैसे अपने पास रोक लिए? 6। ये पैसे क्या कंपनी के पप्पा के हैं? नो। ये पैसे कंपनी किसको देगी? सरकार को। तो दो ना, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तभी सरकार वेट नहीं करती है, जिस मंथ में टीडीएस काटा उसके अगले महीने के 7 तारीख के पहले देना पड़ता, नहीं तो कंपनी साल भर वापरेगी क्या पैसा, यूज करेगी क्या? वो तुरंत काटते ही देना पड़ता है। जून का काटा हुआ टीडीएस अगले महीने के 7 तारीख के पहले, जुलाई का काटा हुआ टीडीएस उसके अगले महीने के 7 तारीख के पहले, 7 अगस्त के पहले, अगस्त का काटा हुआ टीडीएस सितंबर 7 सितंबर के पहले। सरकार वेट नहीं करती थी पैसे लेने के लिए, देगी तुमको 1-2 साल बाद, बट लेना है ना तो तुरंत ले लेते। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। चले आगे। ए बेटा क्या हुआ? दोनों पेन क्यों लेके जा रहा है? हाँ रख रख, पेन इधर ही रख। मेरे पास में ना बाड़मेर में 12th के बच्चे हैं ना, 11th 12th के बच्चे हैं, तो एक बच्चा वॉशरूम हर 2-1 दिन में वॉशरूम जाता ही है, तो वॉशरूम मतलब वो चलती क्लास में मैं बोल के रखता हूँ कि मतलब तुम घर से वॉशरूम जाके आया करो, 11th 12th के छोटे बच्चे, उनको अभी सही से दिशा उनको देनी पड़ती है अभी से, तो सही डायरेक्शन में भागते आगे, तो उनको मैं बोलता हूँ वॉशरूम पहले से जाके आना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद में टाइम पास करो मत। एक बच्चा फिर भी रोज जाता है। अच्छा एक हर बार जाता है, तो जाते थे वो स्केल लेके जाता था, मैंने उसको एक दिन पूछ लिया मैंने कहा क्या मेजर करने जा रहे तू, क्या गिनता है अंदर? और उसके बाद वो बेचारा वॉशरूम ही नहीं गया। अरे तो पागल है, मैं उसको बोला तू स्केल क्यों लेके जाता है? अरे नहीं बोले सर। बाद में फिर उसने बोला सर माजी स्केल मित्र घेऊन टाकतन मले परत देत नहीं। अब मैंने बोला तो ऐसा बोल ना, और जो हर दिन स्केल लेके जा रहा है, मैं बोला बाथरूम जाता और स्केल लेके जाता, बाथरूम जाता स्केल पट्टी, मैं बोला क्या गिनता है अंदर जाके तू,
तो रीजन उसका क्या था, उसके दोस्त लोग ले लेते थे स्केल, बट देखने वाले को कितना अजीब लगता है। मैं बोला एक दिन पूछ लेते इसको स्केल क्यों लेके जाता करके, वो भी बेचारा सही था, पर मेरा क्वेश्चन गलत क्या था तुम बताओ। वॉशरूम जाते मैं स्केल लेके, स्केल से तुम क्या करते, मेजर करते, फिर स्केल से टूट जाएगी ना स्केल, स्केल ऐसी गोल थोड़ी घूमती, स्केल सीधी रहती है ना सिर्फ। हाँ क्या लगा के फेल, अच्छा ठीक है ड्रॉ करता है। अरे नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, स्केल लेके जाता था। अरे तुम कुछ भी लेके जाओ, तुम्हारा स्केल तुम्हारा पेन है, पर वो वापस फिर तुम वो किताब पे रख रहे यार, अच्छा लगता है क्या? वो बाथरूम में स्केल लेके गया, वो स्केल से फिर रजिस्टर पे रख के तुम ड्रॉ कर रहे, कोई लेगा भी नहीं फिर वो स्केल। नहीं पर उसके बाद वो फिर बेचारा बाथरूम भी नहीं गया ज्यादा। मैं बोला आगे तू कहीं इंटरव्यू में जाएगा, तेरा इंटरव्यू तेरा नंबर आ गया, और इंटरव्यू एक बार चलता है तो आधा आधा घंटा चलता है, आधा पौना घंटा चलता है। बोला तब क्या बोलेगा मेरे को सुसुआई, वो बोलेंगे एक काम कर सुसु कर, उधर की उधर बाहर जाने का रास्ता है वहीं से बाहर चल, वापस मत आना अंदर के बीच में। सो बच्चों यहाँ यहां से आगे ये हो गया अपना 30 जून का, बाद में जुलाई में क्या हुआ, कुछ नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से सेम एंट्री कॉपी पेस्ट। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, सेम कॉपी पेस्ट, टीडीएस पेएबल देना बाकी है, सभी डिबेंचर्स को दे दिया ना, कोई डिबेंचर्स अगर आउट ऑफ इंडिया होगा उसको अगर पैसा नहीं दे पाए तो टू बैंक का अमाउंट उतना कम रहेगा। कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है एक डिबेंचर होल्डर आउट ऑफ इंडिया है, उसका बैंक अकाउंट यहाँ का बंद है और 2000 रुपए का इंटरेस्ट उसको दे नहीं पाए तो 2000 बैंक में कम आ जाएगा, यहाँ 52 आएगा और यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट पेएबल 2000। बरोबर समझे मैंने क्या बोला, नहीं समझे? मान ली एक डिबेंचर होल्डर आउट ऑफ इंडिया है उसको दे नहीं पाए 2000 का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे टू बैंक कितना आएगा 52 और टू इंटरेस्ट पेएबल अभी भी देना बाकी है, कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट एंट्री टीडीएस पेएबल ऊपर क्रेडिट किया था, अब दे दूं क्या गवर्नमेंट को? और कौन सी एंट्री आएगी बताओ, एनी आइडिया? साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी पूरी करो ना, डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, वो बोलने की जरूरत थोड़ी है। जिस प्रकार से बचपन से आप वेजेस परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहे हो, सैलरी पीएनएल के डेबिट में लिख रहे हो, ठीक उसी प्रकार से इंटरेस्ट भी पीएनएल के डेबिट में, वो बोलेगी नहीं इंस्टीट्यूट, आपको बगैर बोले समझना है साल के आखिरी की एंट्रीज क्या रहेगी, ईयर एंडिंग की एंट्री। बोलो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 60 और 60, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, टू डिबेंचर इंटरेस्ट 120। ये लाल वाली जो एंट्रीज में लिख रहा हूं रेड पेन से, वो बगैर बोले समझ नहीं होगी आपको, नरेशन लिखो डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। और कौन सी एंट्री आएगी, बोलो गेस करो गेस करो, ये क्वेश्चन आपके सामने। और कौन सी आएगी, प्रीमियम, हाँ आगे रिडम्शन की, 2022 में थोड़ी कर रहे रिडम्शन, 23 में हो रहा है ना रिडम्शन, तो
23 में 5 साल हो रहे, 19, 20, 21, 22, 23, 19 से 20 एक कैसे होता रहे, 19 से 20 दो होते ना, कैलेंडर ईयर है ना, 19-20 मत बोल, सिर्फ 19 बोल। हाँ बोलो, कौन सी एंट्री आएगी? प्रीमियम क्या? प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री। हाँ, और डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। कुछ बच्चे समझे नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, ये डिबेंचर इशू किया था 10% डिस्काउंट और राइट ऑफ कर रहे हैं 5% प्रीमियम, तो इस समय एंट्री क्या किया होगा आपने? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा, डिस्काउंट 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख या 9 लाख आए? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, बराबर है क्या? 2, 12% डिबेंचर। ये कौन सी एंट्री हो गई? इशू आई आई आई। उसके बाद रिडम्पशन कैसे हो रहा है एट 5% प्रीमियम? सर ये एंट्री तो पास ही नहीं किया आपने। अरे भैया, ये एंट्री कब की है और हमें कौन से साल की एंट्री पूछी है, इसलिए हमने एंट्री पास नहीं की। सर फिर अभी क्यों पास कर रहे हैं? आपको समझाने के लिए कि एक और कौन सी एंट्री आने वाली है। देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बोलो बेटा कितना है? 5% निकालो, अगेन 10 लाख का, और देना पड़ेगा क्या फ्यूचर में? बराबर, ये कौन सा किस्सा है? आर आर, बराबर है ना? अभी ध्यान से सुनना। अब ये डिस्काउंट और लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? दिस डिस्काउंट एंड दिस लॉस नीड टू बी राइट ऑफ इन द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ, बराबर है? डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एक साथ हो रहा है कि हर साल थोड़ा थोड़ा हो रहा है? एक साथ। कितने साल बाद? 5 साल बाद। यानी हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग सेम रहेगा और लास्ट ईयर के एंडिंग में भक्स से जीरो हो जाएगा। यानी हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग सेम है। बोलो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। डिबेंचर 100 रुपए का, अमाउंट आउटस्टैंडिंग अभी भी 100, 100, 100, 100, 0। सो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग 100, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में, हर साल रेशो क्या आ गया? इक्वल है क्या? सो देयर फोर 1 लाख डिवाइड बाय, देयर फोर डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करेंगे? हर साल सेम ना, देयर फोर लॉस कितना राइट ऑफ करेंगे? 50,000 का लॉस। और इसकी एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट को पहले डेबिट किया होगा, लॉस को पहले डेबिट किया होगा। देखो, डिस्काउंट को पहले डेबिट किया, लॉस को पहले डेबिट किया, अब क्या करेंगे? खेल खत्म। बस ये इतनी सी एक एंट्री जो मैंने अभी डब्बा बनाया, इस एक एंट्री के लिए सब मशक्कत चली। बस ये एंट्री 2022 की लास्ट की एंट्री रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? लास्ट बेंच, ये तो एंट्री 1 जनवरी की है ना, ये 1 जनवरी 19 की है। ये हमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री हर साल आएगी, हर साल के एंडिंग में 5 साल तक। बरोबर, सॉरी,
बुक। रोहित को कॉल कर लेन, रोहित को 8887347734 रोहित का नंबर है, उसको कॉल कर ले। सेवन थ्री फोर 734 रोहित बुक इशू कर देगा। ये समझे बेटा, लास्ट एंट्री लिखो, आराम से लिखो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो मुझे। सर इसके अंदर में वर्किंग नोट कैसे लिखना है इसका, कुछ बच्चों को उनमें डाउट आ रहा होगा ना, वर्किंग नोट कैसे लिखना। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, ध्यान से सुनना बेटा। बोलो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 1 लाख। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, 10 लाख का 10% 1 लाख, और प्रीमियम का भी यानी लॉस का भी अमाउंट क्वेश्चन पढ़ते निकल जाएगा, 10 लाख का 5% 50,000। सो यहां पे मैं लिखता हूं डिस्काउंट राइट ऑफ पर एनम 1 लाख इंटू 1/5, खत्म। सर बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, नो कुछ भी नहीं। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी राइट ऑफ पर एनम 50,000 इंटू 1/5, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना आपने बॉक्स भी लिखा तो भी बहुत है। ये तो बाकी का मैंने इतना सारा क्यों लिखवा के दिया, ये देखो, ये सब आपके लिए, आपने बस ये नीले कलर का बॉक्स उतना भी लिखा तो भी चलेगा। डन लिखा बंदा सभी ने, हाँ कम किया मैंने, 28 डिग्री किया, 28 चलेगा ना, अभी तक 27 था, मैंने एक बार किया ना टू, कभी एक बारी में आ तो एक आगे जाएगा एक तो पीछे आएगा, कितना दिख रहा है अभी इस पे, एक ही बार किया ना मैंने टुक, एक ही बार आ जाए ना, 5 स्टार है। हाँ जब ये 27 बोलता तो ये एक्चुअल में 27 रहता, 16 में तो एकदम कश्मीर है इधर। आ जाओ ये लिखा बेटा सभी ने प्लीज, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, लास्ट वाली एंट्री सबने लिख दी क्या, अभी जो मैंने आपको लिखवा के दिया वो लास्ट एंट्री लिखी सभी ने, ये देखो ये वाली एंट्री, फैन सबसे लोएस्ट पे और 28 डिग्री टेम्परेचर है। ओके ये लिखा, ये देखो इन्होंने तो एक ही साथ जोड़ दिया, डिस्काउंट का 20 और लॉस का 10, कितना लिख दिया, हमने भी कितना लिखा, पर हमने अलग अलग लिखा, सब सेपरेट सेपरेट, ज्यादा क्लियर है अपना। 5 में 6 नंबर नहीं देगा इससे आपको, 5 में से 5 ही मिलेंगे, ठीक है। ये गलत तरीका है, एक साथ जोड़ के नहीं दिखाना चाहिए, हमने तो बहुत डिटेल में बाइफर्केशन करके दिखा दिया पूरा। चले आगे, ये था आपका डिबेंचर, करना चाहिए।
अच्छा तो उन्होंने एक साथ ही उसमें मिक्स कर दिया होगा ये, देखना ये इन्होंने जोड़ के कर दिया ना रे। ड्यू करते समय हमने पूरा इनको ड्यू किया 60, इन्होंने ड्यू करते समय ही अलग अलग कर दिया, इन्होंने काम बचा लिया, इन्होंने ड्यू करते समय ही अलग अलग ड्यू किया किया है ना, देखना टीडीएस टू बैंक जोड़ के कर दिया ना, समझ में आया क्या? टीडीएस कितना है, 6,000 ही था ना हमारा भी, और पीएनएल वाली एंट्री भी कर दी ना, 2 बार साल का 60-60 हज़ार का इंटरेस्ट था, कितना आ गया 120, हमने जो एंट्री किया वो कर लेना। आ जाओ, डिबेंचर होल्डर्स आर द ओनर थू परपेचुअल डिबेंचर्स आर पेएबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बोल बेटा, पहली तो चीज परपेचुअल डिबेंचर्स होते ही नहीं, एक सेकेंड ना, एक बार चेक करो रे ऑनलाइन, तुमको दिख रहा है क्या? 0 बच्चे दिख रहे हैं इधर में, चेक करो एक बार लाइव जाकर के देखो लाइव का दिख रहा है क्या। जो बच्चा ऑनलाइन है बेटा एक बार प्लीज मैसेज करना, तो दिख रहा है ना। फिर ये इधर में लाइव वाले बच्चे आज मैसेज नहीं किया गया इसने, प्रतीक्षा, ज्ञानेश्वर, रोहित, भूमि, अच्छा ये बच्चे है फिर, मतलब इधर की है ना। हाँ चलो ठीक है, दिखे दिख रहा है, दिख रहा है ऑनलाइन वाले फिर बच्चे ही आज नहीं होंगे। हाँ सभी इधर ही आए हुए शायद आज। ठीक है चलेगा, छोड़ दो शायद, रिकॉर्डेड देखेंगे बच्चे। हाँ बोल बेटा, बोल बोल। हाँ चलो इतने फटाफट से जाओ दे दो ना, फिर उसके बाद एक ब्रेक देता आपको, ठीक है, मतलब छोड़ दूंगा आप। परपेचुअल मंजे देव भगवान कैसे है? परपेचुअल हमेशा के लिए, जब तक कंपनी है तब तक, बराबर ना। डिबेंचर होल्डर्स आर द ओनर, नो फॉल्स। परपेचुअल डिबेंचर्स आर पेएबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यस ट्रू। परपेचुअल मतलब जब तक कंपनी है तब तक उनका रिडेम्पशन नहीं होगा, बट ऐसे डिबेंचर थ्योरेटिकली ही प्रेजेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे देखने नहीं मिलेंगे, बराबर ना। तीसरे का जवाब दो सारे बच्चे, ऑनलाइन तो कोई बच्चा है नहीं बेटा आज, तीसरे का जवाब दो। यस तू बता दे, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ट्रू और फॉल्स? बोल, भूल गए ना तुम, रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में जिसका नाम लिखा हुआ है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर। उस डिबेंचर के केस में सर्टिफिकेट खो भी गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट उसी को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, ध्यान से सुनना। और बेरर डिबेंचर मतलब जिसके हाथ में, उसका मैंने करेंसी नोट का एग्जाम्पल दिया था, 100 रुपए की करेंसी नोट मैंने इसको दे दी, अब बोलो उसका मालिक कौन हो गया? ये, इसने उस 100 रुपए की नोट इसको दे दी, अब मालिक कौन हो गया? ये। सो अपनी करेंसी नोट बेरर है, जिसके हाथ में है उसकी। बोल बेटा करेंसी नोट क्या है? बेरर, जिसके हाथ में है उसकी। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या ट्रांसफर हो सकते हैं बाय मियर डिलीवरी? जैसे आपके मम्मा पापा ने फ्लैट खरीदा होगा पुणे में, हाँ कौन, मितेश ना, ब्लैक एंड व्हाइट लेजर जेट बैक टू बैक प्रिंट वाला होना चाहिए अपने आप, स्कैनिंग वाला ले ले। अभी ध्यान से सुनना, बेरर डिबेंचर बाय मियर डिलीवरी भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके मम्मा पापा ने फ्लैट खरीदा होगा, वो फ्लैट के पेपर आपने अलमारी से निकाल लिए और किसी और को दे दिए और आपने उससे पैसे ले लिए, बोलो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी क्या? नो no. वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उसको ट्रांसफर करने के लिए एक डीड बनाना होगा, सेल डीड बनाना होगा, सिर्फ बाय मियर डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर्ड डिलीवर डिबेंचर्स भी क्या बाय मियर डिलीवरी ट्रांसफर हो जाएगा?
जैसे 100 रुपए की नोट आपने किराना दुकान वाले को दिया और दूध का पैकेट लिया, तो वो क्या बोलेगा, रुक रुक भैया रजिस्टर्ड डेट बनाने दे, ऐसा होगा क्या? नो, करेंसी नोट बाय मियर डिलीवरी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वो बेरर है जिसके हाथ में उसका, बट एनी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय जस्ट मियर डिलीवरी। अगर ऐसा होता तो मैं इसके घर पे जाता, बंदूक लेके, जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके पेपर दे दे, फिर मुकेश अंबानी के घर पे जाता, बंदूक लेके एंटेलिया के पेपर मुझे मेरे हाथ में दे दे, तो सोचो बस प्रॉपर्टी का पेपर मैंने उससे ले लिया तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? सो कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, पिछले 5 मिनट का डिस्कशन, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बाय मियर डिलीवरी सिर्फ किसी के हाथ में देने से ट्रांसफर नहीं होता है, बट बेरर डिबेंचर, जैसे करेंसी नोट है वो बेरर है, बेरर डिबेंचर या एनी बेरर इंस्ट्रूमेंट बाय मियर डिलीवरी भी ट्रांसफर हो सकता है। सो बाय मियर डिलीवरी क्या ट्रांसफर होता है? बेरर, मियर मतलब सिर्फ, जस्ट डिलीवरी है ना, डिलीवरी से क्या ट्रांसफर होता है? बेरर। बाय मियर डिलीवरी रजिस्टर्ड ट्रांसफर होगा क्या? नो, ये गधा तो उल्टी बात कर रहा है, ये तो बोल रहा है रजिस्टर्ड भी ट्रांसफर हो जाएगा, फॉल्स। समझा सर? फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसीलिए आपके मम्मा पापा ने अगर फ्लैट खरीदा होगा ना, तो उन्होंने सेल डीड बनाया होगा, मतलब उन्होंने खरीदा, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सेल डीड। यस और नो? समझ में नहीं आया? पक्का? सर चल फिर फोर्थ वाला पढ़ के बता, पढ़ो। वेन अ कंपनी इज इश्यू देयर ओन डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन, द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर। ट्रू, बराबर ना? कोलेटरल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट थोड़ी देंगे। मैंने ये असेट गिरवी रख के मैंने लोन लिया, लोन लिया 1 लाख का, असेट थी 1,20,000 की, बोलो ब्याज लोन पे देना है या इस असेट पे? लोन पे। कोलेटरल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट थोड़ी देते हैं। वेरी गुड, ट्रू। पांचवा पढ़ो, सब लोग पढ़ो बेटा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपियर्स इन ऑन द लाइबिलिटी साइड, नो, उसका डेबिट बैलेंस है, वो कहाँ दिखता है? एसेट साइड में। छठा पढ़ो, इफ अ कंपनी इनकर्स लॉस इट डज नॉट पे इंटरेस्ट। पप्पा का राज है क्या? लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट, पढ़ा था क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इच्छा हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सो ये तो बोल रहा है नहीं देने की जरूरत है, फॉल्स। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ आफ्टर शेयर होल्डर, सबसे पहले देंगे। घर पे मिठाई आई मेहमानों के लिए, तो मेहमानों के सामने अपन खा लेते क्या पहले? और वो देख ही रहे मुंह, पहले बाहर वालों को देना होगा। ओनर और क्रेडिटर में बाहर वाला कौन है? क्रेडिटर। ओनर कौन है? घर वाला। पहले किसको देते हैं? थर्ड पार्टी को। सो डिबेंचर्स, ये शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में डिबेंचर्स कौन है? थर्ड पार्टी, बाहर वाले। क्रेडिटर्स कौन है? बाहर वाले, बरोबर है ना? सो पहले डिबेंचर होल्डर्स को देंगे, और ये तो बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ आफ्टर शेयर होल्डर्स, फॉल्स। समझ में आया क्या? पढ़ो बेटा। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ट्रू। पढ़ो, 9 पढ़ो, 10 पढ़ो, सब लोग 9। रिडेमेबल डिबेंचर्स आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टर्म, रिडेमेबल तो रिपेबल होता है ना, ये तो नॉट बोल रहा है, फॉल्स। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज लैंड मशीनरी, ट्रू। कर पाओगे क्या? एक सवाल पूछूं क्या रे? मुझे थर्ड वाले क्वेश्चन का जवाब दो बस।
320 एक का आया, 320। और बताओ बोल, कैसे बता बोलना, तुम 320 बोला ना अभी। नहीं, जो तूने पहली बार किया वही बता, फिर से मत कर। कहां से बोला फिर 320? अच्छा अमोक ने बोला, तो अमोक बड़ा पसंद है। हाँ करो, करके बताओ बच्चों, वैसा मत करो। ये एग्जाम में कब कौन सी चीज में कौन से फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, वन सेंटेंस में, फिल इन द ब्लैंक्स में। बोलो चलो ठीक है, अब मैं बताता हूं। ऑलरेडी मैंने कितने बार बताया था आपको, सुनो। एफ ने किसी को आंसर चेंज करना है कि सेम रखना है? 320 ना, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कितना, 5 लाख, 440, 360, 320, 3। अब देखो ध्यान देना, ये कंपनी ने क्या लिया, मशीन, बदले में क्या दिया, डिबेंचर। याद आ गया, ये इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस है। इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले न दाएं देखना न बाएं देखना, सबसे पहले क्या निकालना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स में अमाउंट पेएबल कितना है, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। अमाउंट पेएबल कितना है, 4 लाख रुपए की लिया ना मशीन, इशू प्राइस कितना है, डिबेंचर इशू कर रहे 100 का एट 25%, 125। बोलो कितना आया। अरे 3000, या आया 3200 डिबेंचर इशू कर रही कंपनी। और यहाँ पे पूछा क्या है, डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, क्या कितने से, शेयर कैपिटल बोलो डिबेंचर बोलो, हर बार फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। याद आया, कैपिटल में हर बार क्या जाती है, फेस वैल्यू। अब एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू जी कंपनी 4 लाख, फिर जी को पैसा दे दो, जी अकाउंट डेबिट 4 लाख, पैसा किस फॉर्म में दे रहे हैं, सो टू डिबेंचर का नाम क्या है, 10% ना, 10% डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं, 3200। डिबेंचर में क्या जाएगा, फेस वैल्यू, और प्रीमियम पे है क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 3200, एक का प्रीमियम कितना है, कितना हुआ। 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए इसमें। पहला क्वेश्चन, डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, डिबेंचर में कितना जाएगा, 320 इज द करेक्ट आंसर, तीसरा प्रश्न, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का रहेगा। लो 3 क्वेश्चन एक के साथ एक। सो करेक्ट आंसर इज 320 से डिबेंचर क्रेडिट होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं, 3200, और डिबेंचर में हर बार क्या जाता है, फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में हर बार क्या जाता है, फेस वैल्यू। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ये लिख लो,
ये एक क्वेश्चन था जो आपको बताने लगता है एग्जाम के अंदर में, पहले क्वेश्चन में एक दो नंबर के लिए आ जाता है, क्वेश्चन नंबर वन जो कंपलसरी होता है ना। ये समझा रहे बेटा सभी को? हाँ तो मार्क्स कम बैठना चाहिए, अब आया ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर अब आया ही नहीं तो छोड़ दो, उतना पेपर में मार्क्स उतने कम मिलेंगे। वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, बट आया ही नहीं तो क्या करेगा वहां पे, क्या करेगा? गेस कर, बगैर सॉल्व किए घर पे आना पड़ेगा, वो भी एक है। पर वो गोटियां ले जाना अलाउड नहीं है ना, अलग से जेब में, अलग से ले जा सकता है क्या तू? नहीं, बट आप ऐसा करो ही मत, आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे ऑप्शन के साथ, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही है अनुशासन। लिखा बेटा सभी ने? लो क्लास हो गया आपका अभी का, फटाफट से क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना है, टू सॉल्व करना है, थ्री फोर चार प्रश्न है सॉल्व करो, बाकी के पांच, पांचवा घर पे करना। अरे यार पर मैंने अब टिक लगा दिया ना ये चारों का, अब क्या करूंगा? चार सॉल्व करो यहाँ का, फिर छुट्टी ना, तीन ही सॉल्व करो, चलो चौथा मैं कर देता हूँ। तीन तीन तो जल्दी हो जाएंगे, दो 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 तीन तीन एंट्री है, चलो दो सॉल्व करो, बचे दो मैं सॉल्व करूंगा, बस फटाफट से करो। आंसर नहीं देखना है, कसम है आपको। करो सॉल्व करो, अरे जो हमारे डमी एग्जाम्पल थे ना, शेयर्स वाली डमी एग्जाम्पल की एंट्री है बेटा, बहुत इजी है ये, पहले दोनों भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, इतने इजी है, बस सॉल्व करो। इसलिए मैंने बोला कि तीसरा चौथा कर लेते, एक एक मिनट का एक प्रश्न है, तीसरा चौथा भी ट्राई तो कर लो। ठीक है करो।